दोस्तों आपने इस इंसान का फोटो आज गूगल की लोगों में जरूर देखा होगा। आखिर ये इंसान क्यों कौन है, इस इंसान के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। और दोस्तों इस इंसान के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आखिर इस इंसान ने ऐसा क्या काम किया जिस वजह से आज गूगल ने उसका लोगो उनके यहाँ लगाया, यानी पूरा का पूरा सर्च इंजिन का लोगो उनके लिए चेंज कर दिया है। तो इस इंसान के बारे में और जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आप सब लोगों को तो पता होगा गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजिन है। और दोस्तों इस दुनिया में होता ये है कि जो जो इंसान कुछ बड़े काम कर जाता है या फिर जो इंसान अपनी जिंदगी के मरने के बाद भी कुछ अपनी पहचान छोड़ जाता है, तो गूगल उनका बर्थडे या फिर कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन हो जिस ओकेजन पे उन्हें याद कर सकते हैं, उस ओकेजन पे उनके लोगों में उस इंसान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डालने का ट्राई करता है। दोस्तों आज गूगल ने ऐसे ही एक इंसान के लिए अपना लोगो चेंज किया है और यहाँ पे इस इंसान का नाम है दोस्तों पॉल क्ली, और जो कि स्विट्जरलैंड का एक नागरिक था। दोस्तों इस इंसान की जन्म हुआ था 18 सेंचुरी में और ये बाय प्रोफेशन एक पेंटर था, एक म्यूजिशियन था, एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट था। यानी जब इस इंसान का जन्म हुआ था 18 सेंचुरी में, तब इस इंसान ने अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग डेज में एट द एज ऑफ 11, जब इंसान 11 साल का था, तब इस इंसान ने वायलिनिस्ट यानी अपनी जो वायलिन होती है वो बहुत अच्छा चलाने का सीखा था। उसके बाद वो जब 20 साल का हुआ था, 20 साल के उम्र में उसे ऑर्केस्ट्रा में वायलिन बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने म्यूजिक में अपना इंटरेस्ट तो बनाया था, म्यूजिक में अपना जो करियर था वो आगे चल रहा था, लेकिन उसके जो माता पिता थे वो बाय प्रोफेशन म्यूजिशियन थे, यानी वो स्विट्जरलैंड में म्यूजिक का काम करते थे, यानी सिंगर भी थे प्लस म्यूजिक की टीचिंग भी करते थे, यानी टीचर भी थे। और उनके घर के आने उनका बैकग्राउंड म्यूजिक का होने की वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग के डेज म्यूजिक में बिताए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि उनका आखिरी इंटरेस्ट या फिर उन्हें किसी ने तो सलाह दी थी कि तू पेंटिंग में कुछ कर, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका पेंटिंग में एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया। इसलिए उन्होंने एजुकेशन लेने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन किया। टोटली उन्होंने सब कुछ जो टेक्निक्स थी पास की जो टेक्निक्स थी ड्राइंग के लिए या फिर ड्राइंग की कुछ एंशियंट टेक्निक्स थी जो पुराने जमाने में लोग यूज करते थे, उन सब टेक्निक को उन्होंने पढ़ा, वहां पे उन्होंने अच्छी सी उनकी शिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने पेंटिंग में अपना करियर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने एक लड़की से शादी भी की, उनकी शादी 1906 में हुई थी और उस शादी के बाद उन्हें एक लड़का भी हुआ था जिसका नाम फेलिक्स था। और दोस्तों ये जब उनका पेंटिंग का करियर आगे चल ही रहा था, उन्होंने अपनी पेंटिंग की करियर आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट ही किया था, तब भी हिटलर जो था वो जर्मनी में बहुत एक्टिव हो चुका था और एक्टिव होने की वजह से नाजी के जो फौज थी या फिर नाजी के जो लोग थे उन्होंने इस इंसान का जो स्टूडियो था वो मतलब जला डाला था, उसको पूरा का पूरा मतलब खत्म कर दिया था। और उस इंसान का इसमें बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, मतलब इस इंसान ने उसकी बहुत जिंदगी की कुछ अच्छी चीजें अच्छा काम उस स्टूडियो में रखा था, लेकिन नाजी के कुछ सैनिकों ने उनका पूरा का पूरा स्टूडियो खत्म कर दिया था। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोल सकते हैं नेचुरल जो कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स जैसे हम झाड़ पत्तों से जो कलर निकलते हैं उन कलर्स को भी अपनी पेंटिंग्स में यूज करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने स्पेशली ऐसी पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया जो इंसान के कुछ एक्सप्रेशन दिखा सके, या फिर उनकी पेंटिंग या फिर उनका वर्क ऐसा माना जाता था कि उनके वर्क में एक चाइल्डिश बना था, यानी एक बचपन की यादें थी, यानी वो जो काम बनाते थे अगर उन काम को कोई देखता तो उन्हें उसका बचपन याद आता। तो ऐसे कुछ कामें जो दिल को बहुत छू जाती थी ऐसे कामों बनाने के लिए इस इंसान ने पॉल क्ली ये बहुत बहुत फेमस हो गया था। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, इस इंसान ने पूरी की पूरी उसकी लाइफ में 10,000 पेंटिंग्स बनाई थी। आप सोच सकते हैं 10,000 पेंटिंग्स कितनी बड़ी होती है, एक पेंटिंग बनाने के लिए भी हमें एक दिन जाता है, इस इंसान ने 10,000 पेंटिंग्स बनाई थी। और दोस्तों इस इंसान का जो वर्क है वो बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि 10,000 पेंटिंग बनाने की वजह से इस इंसान ने अपनी जिंदगी नहीं अपने जीने के बाद अपने मरने के बाद भी इस पूरी दुनिया को एक मैसेज तो दिया था कि दोस्तों अपनी जिंदगी में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आए। उसका स्टूडियो जब जल गया था दोस्तों, तब कोई भी इंसान हो अगर पेंटर की मैं स्पेशली बात करूं तो एक पेंटिंग बनाने के लिए बहुत बहुत वर्क जाता है, और अगर कोई ऐसे ही आके उसका स्टूडियो जला देता है तो
कौन सा भी, हालांकि कौन सा भी इंसान बिखर सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस इंसान ने उसके जिंदगी में 10,000 पेंटिंग्स बनाई थी। और उसका ही रिजल्ट आज यही है दोस्तों कि इस इंसान की बर्थडे के टाइम गूगल ने अपना खुद का लोगो भी चेंज कर दिया। दोस्तों मेरे वीडियो स्पेशली स्टूडेंट देखते हैं, तो मैंने सोचा ये वीडियो उनके लिए बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इस वीडियो की वजह से उन्हें पता तो चलेगा कि एग्जैक्टली अपनी जिंदगी में मोटिवेशन की क्या चीज होती है और अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है और आपको इस लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए आ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे वीडियोस में हर रोज लाने का आपके लिए ट्राई करता हूं जो एम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल हो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।